अदर ऑप्शन दैट यू हैव इन ऑर्डर टू ग्रो क्विकली, जिसको हम इनऑर्गेनिक वे कह सकते हैं, दैट इज टू गो फॉर ज्वाइंट वेंचर. अब ज्वाइंट वेंचर क्या है? देखिए इसमें टर्म क्या यूज हुई है, ज्वाइंट एंड वेंचर. ज्वाइंट वेंचर में बेसिकली यू सेट अप अ न्यू बिजनेस एंटिटी वेयर टू और मे बी मोर ऑर्गेनाइजेशंस दे पुट देयर रिसोर्सेस टुगेदर. कुछ पैसे एक कंपनी डालेगी, कुछ दूसरी डालेगी, एंड दे डिसाइड टू वर्क टुगेदर ऑन अ सर्टन प्रोजेक्ट और अ सर्टन बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, पेप्सी लिप्टन इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन ऑब्वियसली पेप्सी एंड लिप्टन, वेयर एज पेप्सी हैज द एक्सपर्टीज of making beverages, cold chilled beverages, and Lipton is an expert of tea. Both of them are actually trying to come up with an iced tea, Pepsi Lipton. इसमें नई चीज क्या फॉर्म हो रही है? आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नई बिजनेस एंटिटी फॉर्म कर रहे हैं. सो whenever वी आर डीलिंग विद द टर्म ज्वाइंट वेंचर, प्लीज रिमेंबर, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस अपनी इक्विटी डाल के एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेंगे, एक नई बिजनेस एंटिटी होगी, तब आप उसको ज्वाइंट वेंचर कहेंगे. इंटरेस्टिंग बात क्या होगी इसमें जनाब? यू विल बी एबल टू शेयर कॉस्ट्स, यू विल बी एबल टू शेयर रिस्क्स, एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू विल बी एबल टू शेयर एक्सपर्टीज. अगर आप पेप्सी लिप्टन ही की एग्जाम्पल पे रहे, द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज पेप्सी हैज इन मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग चिल्ड बेवरेजेस, वो लिप्टन के पास इन एनी केस नहीं हो सकती. Either they have to hire such kind of people in a large numbers, or they have to do something jis pe unki theek thaak cost aa sakti hai aur usme risk bhi zyada hoga. To on the other hand, Pepsi kuch bhi kar le, uske paas tea ki expertise available nahi ho sakti. To kyun na in dono ko mila liya jaye aur share kar li jaye, expertise bhi share kar liya jaye, risk bhi, aur obviously investment bhi share ho jayegi, and both of them will end up getting an advantage. This kind of a scenario is called a joint venture, and this also leads to quick, you know, development and quick growth. Another tool that organizations can use in order to grow is called a strategic alliance. We'll take a look at this in detail in another chapter as well, but as a strategic option, aapke paas growth ke liye strategic alliance ka option bhi maujood hai. So in strategic alliance, two organizations decide to join hands and work together without, note kijiyega, without forming a new business entity. In joint venture, you are forming a new business entity. In this case, two organizations will remain who they are. Their business existence will not change. However, they will decide to go for a cooperative arrangement with each other. Sometimes this is done in order to promote business of each other. This is to find a win-win kind of a situation. Kai examples aapko dekhengi. Is waqt media mein you will find maybe Jio News joining hands with Nokia to promote some of, you know, Nokia promotes Jio through their handsets, and you will be able to access their news through Nokia handsets. And at the same time, Jio will be promoting Nokia products. So both of them get a win-win situation. इसी तरह से आप जब कभी ऑर्गेनाइजेशंस किसी लॉन्गर टर्म अरेंजमेंट में जाती हैं और दे डिसाइड टू वर्क ऑन अ लॉन्गर टर्म टुगेदर, तो हम इसको स्ट्रेटेजिक अलायंस का नाम दे सकते हैं. ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ लूज टर्म. लूज इन द सेंस दैट यू कैन हैव अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद मे बी योर सप्लायर्स. आप अपने जो लॉन्ग टर्म सप्लायर्स हैं, जिनके साथ आप पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, आप उनके साथ एक अलायंस फॉर्म कर लेते हैं. हमने किसी और चैप्टर में बात की थी कि KFC एंड पेप्सी या Coca-Cola एंड McDonald's हैव अ लॉन्ग टर्म अलायंस. दे हैव डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर एंड दे आर वर्किंग. Coca-Cola रिमेन्स Coca-Cola, इट इज नॉट मर्जिंग विद McDonald's, एंड McDonald's रिमेन हु दे आर, बट दे आर वर्किंग टुगेदर. सो एट द एंड ऑफ द डे बोथ ऑफ देम आर मेकिंग सेल्स, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली हेल्पिंग ईच अदर प्रोमोट देयर प्रोडक्ट्स, एंड इट इज अ विन-विन सिचुएशन.